लगभग 40 माह के बकाया मानदेय के भुगतान और प्रेरकों को वापस संविदा पर काम किए जाने की मांग को लेकर आदर्श साक्षरता कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के कक्ष पहुंचे, जहां बीएसए की अनुपस्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों को वापस जाना पड़ा। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि गोरखपुर में एसोसिएशन के लगभग 2600 ऐसे सदस्य हैं जिनका लगभग 30 से 40 माह तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। प्रेरकों का कहना है कि गोरखपुर में कुल 2600 ऐसे प्रेरक हैं जिनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे, गजेंद्र सिंह, मनोज यादव, रोशना खातून सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रुखसाना खातून ने कहा, प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं, प्रेरक हैं, और 30 से 40 महीने का मानदेय नहीं मिला हुआ हम लोग का, जिसके सिलसिले में आज हम बीएसए ऑफिस बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने आए हैं। और इसमें ये हो रहा है कि जो भी डाटा फिटिंग है वो अभी नहीं हुई है, हम लोग की जो लिस्ट है वो अभी नहीं भेजी गई है निदेशालय को, इसी सिलसिले में आज हम लोग बीएसए से मिलने आए थे, बट अभी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, शायद वो बाहर है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 18 दिन लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं वहाँ पे, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, और लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई हम लोग को ऑफिशियल न्यूज नहीं मिला है। और मेयर सीताराम जायसवाल से जी से भी मुलाकात की थी हम लोगों ने, उनसे भी वार्ता किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मैं राज्यपाल को पत्र लिखूंगा और मुख्यमंत्री जी से बात कराऊंगा आप लोगों की। एक हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, कहा कि धरना एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दीजिए और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बात हुई थी इसके पहले कभी आप लोगों की मांगों के लिए, क्या आश्वासन मिला आपको? जी सर, इसके पहले बीएसए से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हम लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी कुछ नहीं। सर, आज आने के बाद यही हुआ है कि हम लोग बीएसए से मिलने आए थे, लेकिन बीएसए साहब बाहर हैं, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई है, और हम लोग विरोध जता के ये बताना चाहते हैं कि हम लोग की जो भी मांगे हैं वो सरकार पूरी करे जल्द से जल्द।